हेलो एवरीवन, आज हम 8 क्लास का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इक्वेशन एक समीकरण जिसे कहते हैं रेखीय समीकरण। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व वन और मोर लिटरल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है? दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यांश जुड़े हुए होते हैं। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो सिंबल से या फिर प्रतीकों से व्यक्त किया जाने वाला गणितीय कथन होता है ना, ठीक है। ये इस तरह से होता है कि कोई भी दो वस्तुओं को बराबर करता है। जैसे अगर आप इक्वलर लेते हो, है ना, तराजू लेते हो, तो उसमें एक चीज़ रखते हो, यहाँ पर कुछ आपने रखा तो यहाँ पर हल्का हो जाएगा, दोनों में रखना होगा आपको। तो इसी तरह से जैसे कोई भी आपका ये क्या है, एक सा तराजू का एक भाग है, ठीक है, ये, और ये तराजू का दूसरा भाग है, दोनों क्या है, तराजू से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर आप यहाँ प्लस थ्री ऐड करते हो तो यहाँ भी आपको प्लस थ्री ऐड करना होगा। अगर आप यहाँ पे माइनस थ्री करते हो तो यहाँ भी आपको माइनस थ्री करना होगा। अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हो तो यहाँ भी आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है, थ्री से। हाँ, नॉन जीरो से डिवाइड नहीं करना, नॉन जीरो से डिवाइड करना है, जीरो से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या होता है? इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाता है। फिर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी थ्री से, और इस साइड भी, मतलब दोनों साइड में हमको वो करना है इक्वल करने के लिए। तो अगर ऐड करते हैं तो दोनों साइड करना है, मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दोनों साइड, और डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड में करना है, ठीक है। आप इस इक्वलर से समझ सकते हो कि दोनों साइड में हमको इक्वल करना है। क्या करना है? ये इक्वल के लिए बराबर लगाया, ये सेवन, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो उसकी जो वैल्यू है वो सेवन ही होगी, और एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, रूट ऑफ इक्वेशन, है ना, रूट ऑफ समीकरण का मूल, जिसके लिए ये वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर, तो इसका रूट क्या हो गया, वो रूट हो गया फोर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ नोट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ पर टू साइड होगी, ऑलवेज टू साइड होगी, कितनी साइड होगी, टू, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दो साइड होगी, ठीक है, जो कि एक्स यहाँ दिखाया गया है। फिर है लेटरल इन्वॉल्व इन द इक्वेशन आर कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है, जो हम वाक्यांश इसमें ऐड करते हैं ना, ठीक है, लेटरल्स का मतलब होता है वाक्यांश शाब्दिक, ठीक है, तो जो शब्दिक ऐड करते हैं वेरिएबल, ठीक है, जैसे एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, और डिनोटेड किससे करते हैं उसको, अल्फ़ाबेटिक, है ना, इंग्लिश के, जैसे एक्स को मैंने डिनोट किया तो ये एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, इस तरह से इसको शो करते हैं। अब आता है लीनियर इक्वेशन, तो ये चैप्टर का नाम भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल हुज द हाईएस्ट पावर इज वन। देखो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, हमेशा वन, सभी इक्वेशन के अंदर पावर कितनी है, ये वन है, नहीं दे रखा है यहाँ पे तो भी वन है, यहाँ भी वन है, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, और वेरिएबल कितना होता है, वन, एक्स है ना, एक्स और भी हो सकता है, बट पावर देखनी है, पावर देखो वन है, यहाँ कितनी है, वन है, इसकी भी पावर कितनी है, वन है, इसकी भी पावर कितनी है, वन है। तो इस तरह से ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ऐसे आइडेंटिफाई करनी होगी हमको, ठीक है। फिर आता है आपका सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, तो देखो सेम नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों साइड ऐड करना है, ठीक है, बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों साइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड करना है आपको, फिर नॉन जीरो से दोनों साइड डिवाइड भी करना है, मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो दोनों साइड ऐड करना होगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे कूलर के अंदर एक में तो आप प्लस ऐड कर रहे हो और इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना, तो उससे क्या है, आपकी इक्वेशन क्या गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए देखें, जैसे एक्स माइनस फोर है इक्वल सेवन है, ठीक है, तो अब मैं अगर इस फोर को हटाना चाहूँ, एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो दोनों साइड में क्या करूँगा,
प्लस फोर ऐड करूँगा, क्यों, क्योंकि फोर माइनस का है तो प्लस का फोर ऐड करूँगा तो कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ फोर ऐड किया तो यहाँ भी ऐड किया, फोर दोनों साइड लिख दिया, ऐड फोर टू बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड ऐड किया, फिर एक्स ये फोर से फोर कटा, एक्स की वैल्यू क्या है इलेवन, ठीक है। फिर आता है दूसरा मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें क्या है, ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एनी टर्म ऑफ आ इक्वेशन में बी शिफ्टेड, शिफ्ट हो जाता है टू द अदर साइड विद द चेंज इन इट्स साइन विदाउट इफेक्टिंग द इक्वलिटी। इक्वलिटी कोई इफेक्ट नहीं करता बट साइन चेंज हो जाता है, वो साइन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया है। प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा और माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में, मल्टीप्लाई कन्वर्ट होगा आपका डिवाइड में और डिवाइड कन्वर्ट होगा आपका मल्टीप्लाई में। एक एग्जांपल ले लेते हैं उससे समझेंगे, जैसे 2x माइनस 3 इक्वल 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का जो 3 दे रखा है इसको यहाँ ट्रांसफ़र करा तो देखो माइनस था यहाँ आकर क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये 3 कहाँ आया, यहाँ पर आया, ठीक है, आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड किया 10 और इस 2 को भी यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और डिवाइड कर दिया तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, सॉरी ये वाला नहीं है, इसका पीछे वाले का आ गया, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5 आएगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, ट्रांसफ़र। आगे चले, अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ईजी है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर लेंगे। x माइनस 2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये लगाएंगे सिंबल एलिप्स, ठीक है, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये सिंबल लगाने के बाद दोनों साइड में हमने ऐड किया, क्यों, माइनस का 2 था तो प्लस का 2 होगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे एक साइड, तो हमने प्लस का 2 किया, ठीक है, 7 9 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 9 और इसको 0 हो गया। यहाँ हम इस साइड में हमको 0 रखना है ना, कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ क्या रहेगा, हमेशा लेफ्ट साइड में वेरिएबल टर्म, एक्स क्या है वेरिएबल। अब हम रूट ऑफ जो इक्वेशन है ये क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन होती है, बताया था ना, इसको दूसरे तरीके से ट्रांसफ़र तरीके से भी कर सकते हैं। 2 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र 2 राइट हैंड साइड, ठीक है, 2 को ट्रांसफ़र किया तो देखो साइन चेंज हो गया, बताया था ना, 2 यहाँ माइनस था और यहाँ गया तो क्या हो गया, वो प्लस में बन गया, और 7 और 2 कितना होता है 9, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ईजी होगा। फिर आता है आपका वाई प्लस 3 इक्वल 10, वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं, पहले इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लिखने के बाद क्या करना है आपको, 3 को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, 3 को हमने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में 10 माइनस 3 ईजी है ना, बहुत ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो आपको होमवर्क में कौन सा करना है, ये वाला थर्ड वाला सवाल आपको होमवर्क में करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में क्या है आपका, देखो ये वाला है एक्सप्रेशन है, तो आपको बताया था कि वेरिएबल टर्म तो यहीं रहेगा, ये तो यहीं रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये जो नॉन वेरिएबल टर्म है कांस्टेंट टर्म वो इस साइड शिफ्ट होगा, तो इस साइड इसको शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, देखो प्लस का था तो किस में हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है, माइनस किया, फिर इसको एलिप्स लगा कर एक्स इक्वल क्या किया, 17 माइनस 3 इक्वल 7, ठीक है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है 14, डिवाइड कर दिया 2 वैल्यू आ गई इसकी। फिर आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है 6x इक्वल 12, तो यहाँ पर 6 को ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में, तो वहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 6 को ट्रांसफ़र किया एक्स, 6 को यहाँ ट्रांसफ़र किया, 12 अपॉन 6 कितना आया 2, देखो कितना सिंपल है। फिर इसको 5 को ट्रांसफ़र करेंगे, 5 को ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे डिवाइड में था यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हुआ और ये टी इक्वल 50 आया, ठीक है। इसी तरह से 7 क्वेश्चन को करते हैं, 3 को यहाँ ट्रांसफ़र, यहाँ थोड़ा आपको देखना है, यहाँ दो वेरिएबल टर्म है, एक ऊपर एक नीचे, तो पहले तो इनको सेपरेट कर दिया, एक्स से अलग कर दिया। अब देखो इस पूरे को हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, लिखा है ट्रांसफ़र, एक्स को छोड़कर यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया, 2 से इसको डिवाइड करो 9 टाइम्स, 2 से इसको डिवाइड किया 9 टाइम्स, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया, ठीक है, इस तरह से। फिर क्वेश्चन है 8, जो कि आपको होमवर्क में करना है, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। फिर 9 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस तरह से हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले दो वेरिएबल टर्म है, एक तो मल्टीप्लाई में ऐड और एक माइनस में,
तो सबसे पहले माइनस वाले को अलग करते हैं, माइनस वाले को यहाँ ले गए, ठीक है। ध्यान रखना प्लस माइनस वाले को पहले अलग करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को बाद में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले माइनस वाले को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस यहाँ गया तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ लिख देना ट्रांसफ़र 9, ठीक है। तो क्या हो गया, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। अब 7x है तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो यहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह से होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 14y-8=13, ठीक है, और 8 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो 8 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14y=21 है, 21 ऊपर है और ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ लिखा है देखो ट्रांसफ़र 14, मल्टीप्लाई था और डिवाइड हो गया, क्या हो गया, ऊपर था नीचे आया, है ना, इस बात का ध्यान देना। यहाँ प्लस देखो माइनस था और प्लस हो गया, ये भी ध्यान देना। अब इसमें देखो जो कट रहा है, देखो 7 की टेबल से दोनों आ रहे हैं, 7 की टेबल में 14 आता है 2 times, 21 आता है 3 times, ठीक है। इस तरह से इसका डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई, है ना, इजी। फिर आता है आपका 17+6p=9, देखो यहाँ पर ये प्लस का टर्म है, ठीक है, तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र किया प्लस था माइनस में हो गया, देखो ट्रांसफ़र 17 प्लस से माइनस, माइनस किया माइनस का 8 आया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन है 6 को भी ट्रांसफ़र करेंगे, ऊपर था नीचे आ गया, ठीक है, माइनस का था, देखो 2 की टेबल से आ रहे हैं 4 times और ये 3 times, इस तरह से सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, आपको बहुत ईजी लगेगा अगर आप ढंग से देखेंगे। और याद रखना, अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर इंक्वायरी कर लेना, पूछ लेना कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। दूसरा वही है पैटर्न, ठीक है, ध्यान रखना कि पहले समझना है फिर उसको राइट डाउन करना है, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करनी है, तो इस बात का ध्यान रखना। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, प्लस मैंने उसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र कर दिया, देखो 1 यहाँ से यहाँ गया, प्लस था, क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है, 15 का इससे मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 7 कितना हो गया आपका 8, कितना हो गया 8, या फिर आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। और अब ये तो हो गया सॉल्व, अब आपको पता है कि ये डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ ऊपर है ये नीचे है, तो देखो कट रहे हैं, 3 की टेबल में 15 आते हैं 5 times, लिख दिया इस तरह से 8 ऊपर, ठीक है, ये सॉल्व हो गया आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं आपको दोबारा समझा दूँगा अच्छे से। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करें, ठीक है, थैंक यू।